मजा आता है, कमल के साथ काम करते हुए मजा आता है, नादिया के साथ काम करते हुए मजा आता है। तो एक मिनट लगता है उसको दिमाग उसका उल्टा होने में। जो वकील थे ना, छह लोगों ने, मैं पास ही खड़ा होता हूँ, ऐसे गंदे निकाले उन्होंने, ऐसे किया और ठा ठा शुरू हो गए। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम वहीद है, मैं उर्दू पॉइंट पे एज अ कैमरा मैन। उर्दू पॉइंट की जितनी वीडियोज है ना वो मैं देखता हूँ। उर्दू पॉइंट की जो वीडियोज है, कंवल आफ्ताब हो, नादिया हो, जितने भी इनके रिपोर्टर फारूक के बाद हो, जी जी, तो उन सब की, ये बड़े फेमस नाम है, मैं कुछ नहीं हूँ, ये बड़े फेमस नाम में ले रहा हूँ, ठीक है जी जी। आप लोग उनको देखते, उनकी वीडियोज ये बनाते हैं, आज इनको देख लिया वाजे तौर पर, ये बहुत प्यारे हैं खुद, लेकिन इनको कोई कवर नहीं करता, मैंने सोचा मैं इनको कवर कर लूँ। शुक्रिया शुक्रिया। कैसा लग रहा है यार कवर करते हुए? अच्छा लग रहा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो। शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, मैं तो अभी बिल्कुल स्टार्ट में हूँ, दुआ करें मेरे लिए भी। इंशाल्लाह भी इनसे कैमरा यूज करना सीखूंगा जी जी, इंशाल्लाह जरूर। लगे रहे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल कब पेश आती है, कंवल आफ्ताब को कवर करते हुए, फारूक को कवर करते हुए, नादिया या किसी और को? सच बताना आज मुझे कवर करते हुए किसी के साथ मुश्किल नहीं होती, बस मुझे थोड़ा सा डर होता है। मुझे फारूक शबाज वराज के साथ जब जाता हूँ वो डर होता है, उनके सवाल इस तरह के होते हैं कि अगला बंदा लड़ने पर आ जाता है, वो बड़े तिखे तिखे सवाल करते हैं। बाकी मुझे मज़ा आता है, कमल के साथ काम करते हुए मज़ा आता है, नादिया के साथ काम करते हुए मज़ा आता है, बस उनके साथ मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और थोड़ा सा डर मुझे लगता है कमल की वजह से, कमल की लड़ाई अक्सर पड़ जाती है उधर, हम जाते हैं रेस कोर्स में, उसका तो कभी नहीं पता होता कि कैसे लड़ाई उसकी पड़ जाती है, एक मिनट लगता है उसको दिमाग उसका उल्टा होने में, तो थोड़ा सा उसके साथ भी डर लगता है मुझे। वैसे कब से आपने स्टार्ट किया है कैमरा यूज़ करना? बेसिकली तो मैं फोटोग्राफर था। अच्छा, दो साल पहले मैं उर्दू पॉइंट में आया था, और उर्दू पॉइंट में मैंने फिर काम शुरू किया। मुझे एक लाइट भी नहीं लगानी आती थी जब मैं पहले दिन आया था, मुझे कैमरे पे लाइट भी नहीं लगानी आती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मुझे काम देते मैं इंशाल्लाह कर लेता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है आज की। आमतौर पर समझा जाता है कि मीडिया के जो लोग हैं, जो काफ़ी रिपोर्टर कैमरामैन, इन लोगों को बड़ी सहूलियात होती है जनाब, तोहफे दिए जाते हैं, खाने दिए जाते हैं, कवरी से जब जाते हैं, तो बताएं लोगों को इस वक्त सिचुएशन क्या है, कैसी हालत हो गई है, बताओ। हमेशा ये नहीं होता, हर जगह वो नहीं होती जहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिले, कहीं होता है कि आपको प्रोटोकॉल मिलता है, बिल्कुल कम मिलता है। लोगों की ये गलत फहमी है कि ये मीडिया वाले लोगों को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, भाई देखे मीडिया वाले दलील भी होते हैं, यहाँ पे नीचे बैठना पड़ता है, रात के 2-2 बजे तक बैठना पड़ता है नीचे, और बैठेंगे ऐसा ही है, 12-1 बजे तक बैठते हैं, दलील होते हैं, और सुबह को फिर ऑफिस में काम करके आते हैं, और शाम को फिर PSL कवर करते हैं। ये लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम लोग इधर प्रोटोकॉल में और इन्जॉय करते हैं, मौजे करते हैं। डर लगता कभी कभार, हालात खराब होते हैं, ऐसे ही है भाई। ये पिछले दिन जब वाकया हुआ था, बहुत ज़्यादा यार, ये पिछले दिन जब ये वो वाकया नहीं हुआ क्या, वकीलों और पुलिस डॉक्टरों का जो मैं लाइव कर रहा था, तो मेरे साथ ही मुझे शैल लग गया आगे, इधर शैल लग गया, मैं बड़ी मुश्किल से भागा हूँ, मैं लाइव कर रहा था उस वक्त, तो छः जो वकील थे ना, छः लोगों ने, मैं पास ही खड़ा होता हूँ, ऐसे गन्ने निकाले उन्होंने, ऐसे किया और ठा ठा शुरू हो गए, मैं उसको पास खड़ा हुआ लाइव कर रहा था, और ऐसे मुझे शैल लग गया, फिर मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ, मैं उठ के ना चला गया उधर से, मेरे एंकर ने कहा यार चलो दफा करो इधर, हमने उधर ही लाइव कट किया और वहाँ से चले गए। ये सिचुएशन भी सामने आ सकती है रिपोर्टिंग करते हुए, ये ना समझे कि सुकून, जो एंकर हजरा जो रूम में बैठे हुए ना AC में, उनको आप साथ ही मत कहे। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।